ग्रामर के पिछली वीडियो में प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो आज हम लोग प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग तीन उसके टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग तीन जो उसके टाइप्स होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक करके उसकी डेफिनेशन भी जानेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला जो है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउंस, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सेकंड, थर्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। तो ये तीन जो है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर उसके बाद पोजेसिव, ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे और उन पर कुछ एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउंस का डेफिनेशन लिख लेता हूँ और उसका कुछ एक्सरसाइज भी लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पर्सनल प्रोनाउंस का डेफिनेशन और कुछ एक्सरसाइज मैंने लिख लिए हैं। तो हम लोग जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और अगले प्रोनाउन के टाइप पे चलते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। इसका मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम, मतलब किसी नाम की जगह पे यूज होता है, आदमी के, पर्सन के, या फिर जानवर के, या फिर कोई सामान के। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी फर्स्ट पर्सन और द सेल्फ, आई, मी, वी, अस, सेकंड पर्सन और पर्सन स्पोकन टू यू, थर्ड पर्सन और द पर्सन स्पोकन अबाउट, ही, शी, हिम, हर, दे, देम, इट। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, जैसे कि मैं किसी से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो के, तो वो थर्ड पर्सन है। मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है, ऐसे करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिससे मैं बोल रहा हूँ, मतलब जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज दिए है, पांच क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। राइट द ग्रामेटिकल पर्सन यूज्ड इन ईच सेंटेंस इन द प्लेस टू द राइट। तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम लोग को प्रोनाउन मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। तो ये आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग, यहाँ पे आई क्या पर्सनल प्रोनाउन में है, तो यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन में है आई, तो आई क्या होगा फर्स्ट पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। फिर उसके बाद दे वर वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे दे है क्या, दे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, ही, शी, हिम, हर, दे। तो आप देख सकते हैं दे है थर्ड पर्सन में, तो जो दे है वो थर्ड पर्सन में आएगा। फिर उसके बाद वी डिड नॉट गो टू द पार्क, यहाँ पे वी जो है वो किस में आता है, आई, मी, वी, अस नहीं, यू नहीं, ही, शी, हिम, हर, दे, देम, इट, इसमें हाँ फर्स्ट पर्सन होगा। देखिए यहाँ पे वी दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन में, तो ये होगा फर्स्ट पर्सन, तो ये होगा फर्स्ट पर्सन वी। फिर उसके बाद यू कैन यूज माई कैलकुलेटर, तुम मेरा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पे यू क्या होगा, यू होगा आई, मी, वी, अस नहीं, यू, यू में आएगा सेकंड पर्सन। फिर उसके बाद कैन यूज माई, माई है क्या, माई नहीं है, माई मतलब होता ही नहीं है प्रोनाउन। फिर उसके बाद आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इसमें आई होगा, आई यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट पर्सन में, तो आई फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो गया ये भी। तो इसके बाद हम लोग अभी जो प्रोनाउन का दूसरा ये टाइप है उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी लिख लिया है डेफिनेशन और उसका कुछ एक्सरसाइज, पांच क्वेश्चन। तो अभी हम लोग के पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले जैसा, और फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज बनाएंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टू वन और मोर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल
दिस दीज डैट दोज एक्सेट्रा, मतलब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि डैट कार इज माइन ऐसे करके होता है. तो इसमें एग्जाम्पल है दिस दीज डैट दोज एक्सेट्रा. तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ये लिख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, याद कर लीजिए ये डेफिनेशन को. तो इसके बाद हम लोग का ये एक्सरसाइज है, इसको अभी हम लोग पूरा कर लेते हैं. अंडरलाइन द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें हम लोग को डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन को अंडरलाइन करना है. तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं. डैट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. यहाँ पर डैट होगा, डैट यहाँ पर है आप देख सकते हैं. फिर उसके बाद आर दोज योर शूज, यहाँ पे आर नहीं आया, योर शूज. तो इसके बाद दीज आर बेटर देन दोज, दीज यहाँ पर है. तो उसके बाद दोज, दोज भी है यहाँ पर. तो उसके बाद प्लीज गिव मी वन ऑफ दोज, यहाँ पर दोज है, दोज. फिर उसके बाद दीज आर नाइस लुकिंग, दीज और यहाँ पे दीज. तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया. तो अभी हम लोग जो लास्ट हम लोग का वो है टाइप है प्रोनाउन का, तो उसको अभी मैं लिख लेता हूँ जल्दी से. तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव प्रोनाउंस का भी लिख लिया है. तो अभी हम लोग इसका जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन कुछ पूरे कर लेते हैं. पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस कैन बी फर्स्ट पर्सन माइन आवर्स, सेकेंड पर्सन योर्स, थर्ड पर्सन his, hers, their, its. Note, possessive pronouns are never spelled with apostrophes. मतलब इसका मतलब है, नोट जो दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब है कि जैसे कि हम लोग its लिखते हैं its, तो its में जो हम लोग ये comma लगाते हैं ऊपर, तो वो हम लोग को नहीं लगाना है, उसको हम लोग its लिखेंगे direct. इसको possessive pronouns बोला जाता है, ये जो है ये गलत है. तो ऐसे करके समझ सकते हैं आप, इसको लिख के याद कर सकते हैं. तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग को जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको फिल करना है. दिस इज माय पेन, वेयर इज, ये मेरा पेन है, तुम्हारा कहाँ है. तो दिस इज माय पेन, वेयर इज योर्स. तो यहाँ पर योर्स है सेकंड पर्सन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे योर्स. A cousin of dash works abroad. तो यहाँ पर आएगा हम लोग का a cousin of mine. Mine किसमें है? First person में. फिर उसके बाद is this dash coat? Is this his coat? यहाँ पे आएगा his. यहाँ पे his है third person में. उसके बाद it is dash turn. It is your turn. Your turn, यहाँ पे ये yours है second person में. उसके बाद is this car yours second person में. ये हम लोग का complete हो गया है पूरा pronouns का types. तो हम लोग अभी मैं video अगला grammar का 3-4 दिन में upload करूँगा. तो आप तक मेरा जो science का class 6 का मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट चैप्टर, अभी मैंने कंप्लीट किया, आप वो भी देख सकते हैं. और गार्डनिंग टिप्स के मैं वीडियो बनाता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं. और अभी मैं इंग्लिश ग्रामर का भी बना रहा हूँ. मैं बहुत दिन से नहीं बना रहा था, तो और जो मैथ है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन और क्लास नाइन साइंस का वीडियो बनाते हैं. तो आप ये सब देख सकते हैं तब. तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों जरूर से शेयर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग.